हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास पर आपका स्वागत है। आज जो पौधा आप देख रहे हैं इसको क्रीपिंग बास्केट प्लांट भी कहा जा सकता है, क्रीपिंग इंच प्लांट भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा जिस नाम से पॉपुलर है वो है टर्टल वाइन के नाम से ये पॉपुलर है। और इसे हैंगिंग बनाया जाता है, इससे काफ़ी खूबसूरत हैंगिंग होता है। ये भी मेरा हैंगिंग ही है और इसे बनने में, हैंगिंग तैयार होने में बहुत ज़्यादा दिन लगता है, वो बहुत जल्दी ये बन सकता है क्योंकि ये इजी टू ग्रो प्लांट है। आप कहीं भी लगा दीजिए, वह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले इसकी सॉइल के बारे में बात करें। अगर दोस्तों आप इसे ऐसे मिट्टी में लगा रहे हैं नीचे की तरफ हैंगिंग, बिना हैंगिंग किए हुए, तो आप उसके लिए 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 25% काउ डंग ले लीजिए और 25% सैंड ले लीजिए, उसमें आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे हैंगिंग करें तो हमेशा हैंगिंग बास्केट को हमेशा थोड़ा हल्का रखने का कोशिश करें। तो हल्का कैसे रखिएगा, उसका बेस्ट उपाय है कि आप 50% तो गार्डन सॉइल ले रहे हैं और 25% काउ डंग ले रहे हैं, लेकिन रेत की जगह, सैंड की जगह आप कोकोपीट ले लीजिए। तो कोकोपीट से क्या होगा, वो इसे हल्का रखेगा, टब आपके जो हैंगिंग टब है उसको हल्का भी रखेगा और वो पानी को थोड़ा सा होल्ड करके रखेगा ताकि आपके पौधे को मॉइस्चर मिलती रहे, मिट्टी मॉइस्ट रहेगी। तो ये तो उसके सॉइल की बात हो गई। अब इसके सॉइल बिल्कुल वेल ड्रेन रखिएगा, और इसे एसिटिक सॉइल भी पसंद है लेकिन उसका पीएच वैल्यू 5-6 होना चाहिए। अगर आप एसिटिक ऑयल नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लेन जैसे गार्डन सॉइल में जैसे मैं बताई उस तरीके का प्रोपोर्शन में भी आप लगा सकते हैं इसे। ये तो चूंकि ये हार्डी प्लांट है तो इसे आप धूप में रख सकते हैं, लेकिन जैसे गर्मी का मौसम है तो 2-3 घंटे की धूप ये सह लेगी, उसके बाद इसे थोड़ा छाया चाहिए। तो मैं तो इसे अपने बैल्कोनी में रखती हूँ, वहाँ लगभग 2-3 घंटे की धूप आती है और उसके बाद वहाँ मैं थोड़ी पानी इसे थोड़ा ठीक से देती हूँ, क्योंकि मैं पहले देख लेती हूँ कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट है या नहीं। अगर मॉइस्ट है तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर मॉइस्ट नहीं है, हालांकि चूँकि धूप पड़ती है तो मुझे एक बार तो इसे पानी देनी ही पड़ती है, लेकिन अगर विंटर वगैरह विंटर के मौसम में, स्प्रिंग के मौसम में अगर आप 2-3 दिन पानी ना भी दें तो भी ये चल जाएगा, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो पानी कंटेन करती है, थोड़ी मोटी होती है, आप पकड़ के ही देखने से पता चलेगा कि मोटी होती है, और इसकी जो स्टीम है ये स्टीम भी पानी कंटेन करती है। जब आप तोड़िएगा इसे तो यहाँ से पानी आपको दिखेगा, हल्का हल्का सा पानी निकलता है। तो ये तो हो गई विंटर में या स्प्रिंग में या समर में आप कैसे इसमें पानी दीजिएगा। और रही कंपोस्ट की बात, तो मैं जब से इसे लगाई हूँ कोई कंपोस्ट अभी तक तो नहीं दी हूँ, और बिना कंपोस्ट दिए हुए वही जो पहले मैं मिट्टी में मिलाई थी कंपोस्ट, बस वही दी हुई हूँ, तो उसमें भी देखिए ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्रो किया है। और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे कंपोस्ट देना है तो जैसे आप अदर्स प्लांट में देते हैं वैसे दे दीजिए, 2-3 दिन बाद थोड़ी सी ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप दे सकते हैं, तो इसे भी ये और अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, इसे आप जैसे मल्चिंग के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे बहुत बड़ा एक प्लांट है आपके गमले में तो उसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखने के लिए, जैसे समर में मॉइस्ट रखना ज़रूरी हो जाता है, तो आप मल्चिंग के लिए इसे उसके नीचे लगा सकते हैं, तो देखने में भी खूबसूरत होगा, ऊपर से एक बड़ा सा प्लांट और नीचे ये हैंगिंग टाइप का दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके तो मुझे लगता है, और प्रोपोगेशन की बात मैं बता दूँ, हाँ तो प्रोपोगेशन आप इसे कर सकते हैं, ये देखिए इसकी मैं दिखा रही हूँ, ये स्टीम के नीचे से, ये देखिए तो दिख रही है या नहीं, ये स्टीम के नीचे से रूट निकलती है, ये देखिए ये रूट है, ये रूट
ये रूट निकल रही है, तो आप बस यहाँ से तोड़ लीजिए, इसे इस जगह से तोड़ लीजिए और लगा दीजिए मिट्टी में, ये इस यहाँ से कहीं से तोड़ लीजिए इसे और आराम से मिट्टी में लगा दीजिए, ये लग जाएगी। वैसे तो इसमें फूल आते हैं और इसके बीज भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि आप स्टीम से लगाए, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। और स्टीम से इसे तोड़ के लगाने के बाद उस गमले को आप थोड़े कुछ दिनों तक, 5-6 दिनों तक थोड़ी छायादार जगह पे रखें, उसे डायरेक्ट सनलाइट मत नहीं लगने दें, तो उससे क्या होगा कि आपका आराम से जो है ये जो जड़ें हैं, ये रूट है, वो जल्दी निकलेगी और नहीं तो वो जल जाने के चांस रहेगी। तो ये तो मैं इसके बारे में जो मुझे बताना था मैं बता चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी दबाइए, अपडेट मिलती रहेंगी। और अगर कुछ बात आपको मुझसे शेयर करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। थैंक यू दोस्तों।